आज हम क्रोशिया से इस तरह का पैटर्न बनाएंगे। इस तरह का पैटर्न बनाने के बाद हम एक खालपोश बनाएंगे। पैटर्न बनाने के लिए सबसे पहले हम चैन बनाएंगे। हमने गांठ लगा लिया है, हम यहाँ पे 6 चैन बनाएंगे। चैन बनाने के बाद हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे 2 चैन बनाएंगे। 2 चैन बनाने के बाद हम डबल क्रोशिया बुनाई करेंगे। यहाँ पे डबल क्रोशिया बुनाई हम 16 बार करेंगे। डबल क्रोशिया बुनाई करने के बाद हम इसको एक साथ जॉइंट कर देंगे। फिर से 2 बार चैन बनाएंगे। 2 बार चैन बनाने के बाद हम डबल क्रोशिया बुनाई करेंगे। एक एक चैन में हम 2-2 बार डबल क्रोशिया बुनाई करेंगे। से बुनाई करते हुए हम कंप्लीट करेंगे, यहाँ तक लाएंगे। यहाँ तक बुनाई करने के बाद हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने से पहले धागे को कट करते हैं। यहाँ पे हम व्हाइट कलर का धागा लगाएंगे। बना लेंगे। देखिए चैन है, इसमें से लाके हमने बंद कर दिया। फिर से 2 चैन बनाएंगे। 2 चैन बनाने के बाद हम चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बुनाई करेंगे। 2 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम यहाँ पे 10 चैन बनाएंगे। 10 चैन बनाने के बाद बाजू वाले में डाल के, दूसरे चैन में डाल के 2 बार डबल क्रोशिया बुनाई करेंगे। इसके बाद हम दूसरे चैन में 1 बार डबल क्रोशिया बुनाई करेंगे। तीसरे में भी 1 बार डबल क्रोशिया बुनाई करेंगे। चौथे में भी 1 बार डबल क्रोशिया बुनाई। पांचवे में भी, छठे में भी, और सातवें में भी 1 बार डबल क्रोशिया बुनाई करेंगे। और आठवें में 2 बार डबल क्रोशिया बुनाई करेंगे। 2 बार डबल क्रोशिया बुनाई करने के बाद हम फिर से 10 बार चैन बनाएंगे। यहाँ पे हम फिर से जैसे बनाए थे एक में डबल क्रोशिया बुनाई। बाकी 6 चैन में हम सिंगल क्रोशिया बुनाई करेंगे। सॉरी, सिंगल क्रोशिया नहीं करेंगे, डबल क्रोशिया ही बुनाई करेंगे, लेकिन एक एक बार करेंगे। ये है, और हम यहाँ इस चैन में डाल के बुनाई को बंद कर देंगे।
एक चैन बनाएंगे पीछे की तरफ, इस तरह से दूसरे से धागे से अटैच करके एक चैन निकाल के इसमें एक चैन लगा देंगे। ये हम गांठ मार्ट लगा दिए हैं। हमारा पैटर्न रेडी हो गया है। इस तरह का पैटर्न हमने 16 बनाया है। अब हम इसका थाल पोस्ट बनाएंगे।